हेलो बच्चों, आज हम फ्रिक्शन के ऊपर वीडियो लेके आए हैं और फ्रिक्शन को लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है ना। लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है ये, और फ्रिक्शन भी हमारी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स लगती है। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पे फोकस करेगा। यार बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कब स्टैटिक लगाएं, कब काइनेटिक लगाएं, कब म्यू के यूज़ करें, कब म्यू एस यूज़ करें। अभी कई लोग तो आके एकदम नए नए बैठे हैं, ये म्यू के क्या है, यूनाइटेड किंगडम है क्या, यू के है ना। तो यार अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। और फ्रिक्शन को लेके अपने अगर हम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। जनरली क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन को डाल देते हैं, या वर्क पार एनर्जी के क्वेश्चन में फ्रिक्शन को डाल देते हैं, है ना, या रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन में फ्रिक्शन को डाल लेते हैं। ये जितना आप पढ़ रहे हो ना लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स, जितनी भी तरह की फोर्स, ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्रिक्शन, जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो, ये कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं मिला के आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सब बहुत बेसिक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का टॉपिक। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है, सबको पता है फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो दो बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन को, किसको, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती है, हमेशा बोलना, किसको अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। बस इतना ही इंट्रोडक्शन है, क्लियर है भाई साहब, एकदम साफ साफ। या तो रिलेटिव मोशन सच में हो रहा होगा उसको वो रोकना चाहेगी, या तो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, होने वाला है, उसको वो रोकना चाहेगी, ठीक है। कैसे ऐड करती है फ्रिक्शन फोर्स, ऐड करती है टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, जहां कॉन्टैक्ट है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। चलो एग्जाम्पल देते हैं, मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दो बॉडी मैं आपको देता हूं सीधा, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। ए को मैंने आगे की तरफ खींचा, किधर खींचा, आगे की तरफ, तो बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जा रहा, आगे, तो बी ए पे लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। कहां लगाया, अलोंग द कॉन्टैक्ट, टेंजेंशियली, देखो ये टेंजेंट बन रहा है, अलोंग द कॉन्टैक्ट, किसको अपोज कर रहा, रिलेटिव मोशन को। B के रिस्पेक्ट में A कहां जा रहा, आगे, तो B ने A पे फ्रिक्शन की फोर्स लगाई पीछे। इसी तरह से अगर A आगे जा रहा और उसने B को देखा तो उसे B दिखा किधर जाता हुआ, पीछे, तो A ने B पे फ्रिक्शन की फोर्स लगाई आगे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फ्रिक्शन फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और फ्रिक्शन की फोर्स भी किस में होती है, पेयर में होती है। ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें क्लियर बोला था कि दुनिया की कोई भी फोर्स हो हमेशा किस में होगी, पेयर में। तो फ्रिक्शन फोर्स भी किस में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन पेयर। पढ़ा था ना आपने, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही बात है, ए ने, जब ए आगे बढ़ा बी पे, तो बी को लगा रहे ए आगे जा रहा, आगे जा रहा, इसको रोको, तो इसको किधर फोर्स लगाई, पीछे की तरफ, फ्रिक्शन की। फिर ए ने बी को देखा, बी किधर जा रहा, पीछे, तो बी, ए ने बी पे किधर फोर्स लगाई, फ्रिक्शन की, आगे। तो फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट इन पेयर, एक एक्शन हो गया, एक रिएक्शन हो गया, दोनों डिफरेंट बॉडी पे ऐड करते हैं, टेंजेंशियली लगती है, किसको अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को। ये इंट्रोडक्टरी बात हुई फ्रिक्शन की। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई कि फ्रिक्शन एक बॉडी पे नहीं, दो बॉडी पे लगती है, हमेशा हमेशा कोई भी फोर्स हो, एक्शन एंड रिएक्शन। तो बहुत हमने बेसिक आपको बात बताई। अब बच्चों, जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है उसका जो खेल होता है वो दो चीजों में डिवाइडेड है, एक तो स्टैटिक और एक काइनेटिक। दो तरह की फ्रिक्शन फोर्स हमारी फेमस है, स्टैटिक और काइनेटिक। तो अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगती है व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। जब रिलेटिव मोशन सच में हो नहीं रहा है, होने वाला है, तब लगती है स्टैटिक। मतलब अभी भी बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे, कोई रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, होने वाला है, तब जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो स्टैटिक। आप कहोगे सर एक्सप्लेन करो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसको मैं पीछे धक्का दूं, यहाँ तो खैर नॉर्मल रिएक्शन, मान लो कोई मेरे पास यहाँ पे कोई सामान रखा है, उसे मैं ऐसे धक्का दूं, जमीन पे पुश करने की कोशिश करूं, अगर मैं थोड़ा सा धक्का दूंगा तो क्या वो आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो मेरी फोर्स कहाँ गई, अभी तो वो रेस्ट पे, कोई मैंने ऐसे फोर्स लगाई वो आगे नहीं बढ़ा, मेरी फोर्स कहाँ गई, फ्रिक्शन की फोर्स ने मुझे अपोज किया।
इस ब्लॉक की या इस बक्से की टेंडेंसी थी मोशन की, मोशन हो नहीं रहा था, टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को रोकने वाला जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज मेरे साथ बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। एकदम क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट स्टैटिक और काइनेटिक का, अगर कंफ्यूज्ड हो तो एकदम क्लियर गारंटी दे रहा हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, टेंशन मत लेना। अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखते चलो, जैसे बताता रहा हूं वैसे समझते चलो धीमे धीमे, तभी बनेगा कंसेप्ट, वरना फिर वही तेजी से करने की कोशिश करोगे फिर नहीं लगा पाओगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब सच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, जब रिलेटिव मोशन इज देयर, जब सच में दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब जब मोशन चल रहा है तब जो फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करती है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो उसी वाले एग्जांपल को, उसी बक्से को, उसी ब्लॉक को अब मैं ढकेल रहा हूँ, वो मोशन कर रहा है, फिर भी जमीन से आवाज आती है किच 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 किच, जब हम बॉक्स को धक्का देते हैं आवाज आती है कि नहीं, कि ये क्या है, ये क्या लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो अगर वहीं पे नीचे व्हील लगा देते तो फ्रिक्शन कम हो जाता था, फिसलता हुआ जाता था, पर अगर व्हील लगाए तो घिसता रहता है। तो मोशन के टाइम भी फ्रिक्शन लगता है, रेस्ट के टाइम भी फ्रिक्शन लगता है। रेस्ट के टाइम कब लगता है, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, हम बक्से को धक्का दे रहे हैं, बक्सा मूव नहीं कर रहा, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन, वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। और जब मोशन में है उस टाइम भी खिच 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 पीछे फ्रिक्शन लग रहा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दो तरह के फ्रिक्शन हमको पढ़ने, वैसे रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है पर हमें दो तरह के पढ़ने हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, और कन्फ्यूजन भी होता है कब कौन सा लगाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक से, क्यों, क्योंकि वो ईजी है सर, पहले ईजी ईजी बाद में टफ टफ। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब काइनेटिक फ्रिक्शन से, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं हेडिंग डाल लें काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड आफ्टरनून, दोपहर के बज रहे हैं 3 मे बी, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमें पढ़ना है बच्चों। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे पहली बात कब लगेगा, जब क्या हो, रिलेटिव मोशन हो तब लगेगा। सेकेंड पॉइंट काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है, कैसी है, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, डिपेंड नहीं करता कि किस स्पीड पे बॉडी चल रही है, रिलेटिव मोशन की स्पीड ज़्यादा है कि कम है इस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे धीमे धीमे मोशन हो रहा हो चाहे तेज तेज मोशन हो रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डिनोट करेंगे एफ के से, एफ के की वैल्यू क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, और तभी होगा जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया हो। थर्ड पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ये बन गया काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। यहां पे म्यू के एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया कांस्टेंट आया, इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पे स्पेसिफिकली बोले तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन चल रही है बॉडी, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया क्लियर हो गए होगे बाद में मस्त एकदम। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी होती है, म्यू के इंटू एन, क्या ये वैल्यू लगातार चेंज होती है, किसी चीज पर डिपेंड करती है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू यहां से कांस्टेंट, अब यही रहेगी सारे सवाल में, सारे क्वेश्चंस में, क्लियर। अगली बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा सच दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहेगा, ऐसा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया, रिलेटिव मोशन होगा तभी आएगा, रेस्ट पे नहीं आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इनटू एन, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है सरफेसेस पे, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में, सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकलती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को एग्जाम में दी रहती है, या कई बार ऐसा क्वेश्चन बना देता है, वैल्यू ऐसी रख देता है, कहता है इसको डिटरमाइन करो, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारे सिलेबस में किसी भी चीज़ के साथ चेंज नहीं होगा हमारे सिलेबस में, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन। और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं आपको काइनेटिक फ्रिक्शन पे ही क्वेश्चन भी करा दूं, उसके बाद चलेंगे अपने स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो अभी मैं जितने क्वेश्चन दूंगा उसमें आप एक छोटा सा अजम्पशन मान लिया कि मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा,
काइनेटिक फॉर्मूला बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन का, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। पहले इसको समझो तब स्टैटिक पे जाएंगे, तभी मजा आएगा। मान लो यहाँ एक ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा है, ब्लॉक का मास है 4 kg, यहाँ हम एक फोर्स लगा रहे हैं रे 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 रे, मान लो 10 newton की। यहाँ मान लो म्यू के की वैल्यू है हमारी 0.2। हमसे कहता है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और उस पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स बताइए। तो आइए देखते हैं, हमसे बोल दिया, पहले से हमने मान लिया ब्लॉक किस में है, मोशन में, अभी हम मान के चल रहे हैं। तो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो म्यू के इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। इसका एफ बी डी बनाओगे, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 4g, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब इनके बीच में कोई वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 4g के। जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे। सो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के की वैल्यू 0.2, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 4g, और बच्चों जी की वैल्यू को हम कितना मान लें? 10 मान के चलो सॉल्व कर देते हैं। 0.2 × 4 × 10, ठीक, कितना आया? 8 newton। तो भाई साहब पीछे की तरफ, क्योंकि मोशन किधर हो रहा है? आगे की तरफ। तो अलोंग द टेंजेंट पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है 8 newton की। तो पहला आंसर आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 8 newton। कैसे निकाला? म्यू के इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाला? नीचे 4g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से देखो, जैसे ये ब्लॉक है, सुनो कुछ कह रहा हूँ, नीचे मान लो फोर्स है mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आता है? mg के। तो एफ के को हम कह सकते हैं म्यू के mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है? mg। ऐसा मत करना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मत करना, फंस जाएगा कहीं ना कहीं, जाके लड़ जाएगा भाई। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता। तो यही याद रखना कि म्यू के इंटू एन है, और एन की जो भी वैल्यू है वो अपन डायग्राम से निकाल लेंगे। अगला है एस्केलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg ब्लॉक को देखते हैं, इस तरफ फोर्स लग रही है 10 newton, पीछे की तरफ 8 newton, तो एस्केलरेशन इस तरफ होगा। कितनी फोर्स है? 10 - 8 इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलरेशन। बोलो सही है, 10 - 8 आगे की तरफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलरेशन। 4a = 2, a = 2/4, यानी 0.5 m/s². तो इसका एस्केलरेशन कितना हो गया? 0.5 m/s². ठीक है, क्लियर है सवाल? अच्छा चलो अपन चलते हैं यहाँ से एक लेवल ऊपर, सिर्फ एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। मान लो ये वही 4 kg का ब्लॉक है और फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, F इज इक्वल्स टू 10√2 newtons, फोर्स ऐसे लग रही है एट एन एंगल ऑफ 45 degree, और यहाँ से म्यू के की वैल्यू हमको दी गई है, मान लो म्यू के की वैल्यू अभी 0.3। चलो अब हमसे कहता है फिर से फाइंड चलो नॉर्मल रिएक्शन ये भी निकालो, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड फाइंड एस्केलरेशन ऑफ ब्लॉक, तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। तो और इसका एफ बी डी बनाए 4 kg का। अब की बार देखो एफ बी डी में कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 4g, ऊपर की तरफ बोलो नॉर्मल रिएक्शन, ये मान लो सरफेस है, बिना सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन लग नहीं सकता, ये नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ 4g। अच्छा, इस फोर्स के बारे में क्या कह रहे हो? ये फोर्स एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा? f cos 45, यानी 10√2 cos 45 इस तरफ, 10√2 cos 45 इज 1/√2 मर गया, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, कितना? f sin 45, तो ऊपर की तरफ हम लेके आए कंपोनेंट 10√2 sin 45 भी होता है 1/√2 ने रूट टू को मार दिया। चलो भाई अब आई फ्रिक्शन फोर्स निकालने की बारी, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें पहले, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन निकाले। तो देखो वर्टिकली तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ऊपर की तरफ फोर्स है 10 और है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ है 4g, तो वर्टिकल ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, यानी n + 10 किसके इक्वल? 4g के। जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे,
कंपोनेंट करना तो आता है, ऐसे रहते हैं क्या हुआ, जाके पिछले वीडियोस देखिए, वेक्टर के वीडियोस देखिए, लॉज ऑफ मोशन 0102 सब देखिए भाई सब, बार बार बताऊंगा क्या मैं। जी की वैल्यू रख देंगे 10, तो एन प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40, एन की वैल्यू कितनी आई 30, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया फर्स्ट पार्ट का आंसर 30। देखो नॉर्मल रिएक्शन इस बार एम जी के बराबर नहीं आया, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास 4, नीचे की तरफ बोलो 4G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 40, ऐसा नहीं हुआ इस बार, नॉर्मल रिएक्शन 30 आया भाई। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इस बार ये फोर्स कुछ एंगल पे थी, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट था जो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा रहा था या घटा रहा था यहाँ पे, अभी ऐसे होती तो बढ़ा रहा होता, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, लेट अस फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.3, एन की वैल्यू 30, 0 से 0, पॉइंट से 0 मर गया, 3×3=9, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू आई 9 न्यूटन। पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा, कितना लग रहा काइनेटिक फ्रिक्शन 9 न्यूटन। क्या पिछला एग्जांपल आपको याद है? अच्छा पिछले एग्जांपल में फ्रिक्शन कितना आया था, टिक 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 टिक, अच्छा वहाँ पे म्यू की वैल्यू भी चेंज थी, टिक 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 टिक। अच्छा अब क्या निकालना है, एस्केलेरेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, लेट अस फाइंड एस्केलेरेशन, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाओ, पीछे की तरफ एक फोर्स नहीं आई है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी 9 न्यूटन, आगे की तरफ फोर्स कितनी है √2, √2 मर चुका है 10, पीछे की तरफ 9, तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा। फोर्स कितनी है इस तरफ 1, 10−9 कितनी फोर्स है आगे की तरफ 1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 × a, तो a इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज 0.25 m/s². एम आई क्लियर, इज द एग्जाम्पल क्लियर टू यू, क्या समझ में आया? इस तरह से फोर्स जब लगा दें किसी एंगल पे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ा कि नहीं, इसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, फिर फ्रिक्शन फोर्स निकाली, लास्ट में एस्केलरेशन पूछा था, आगे की तरफ 10, पीछे की तरफ 9, नेट फोर्स 10−9 इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलरेशन। चलो एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। क्वेश्चन आप अपने आप करिए कि यहाँ मान लीजिए एक मास है 4 kg का, और यहाँ से एक फोर्स लग रही, फोर्स में चेंज कर दे रहा 20√2 न्यूटन की, और इस बार इस तरह से लग रही फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, म्यू के की वैल्यू है अपनी वही कितनी 0.3। अब आपको फिर से फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड एस्केलरेशन। ध्यान दीजिए इस बार फोर्स का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, तो पॉज करके खुद से ट्राई करें, देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं। पॉज करें को वीडियो को, ट्राई करेंगे खुद से इसको, करे भाई करे, कर लिया भाई, तो चलो देखते हैं इसको। आजा मैं चांद पे ले जाऊं, हम लोग तो बैठे ही रह जाएंगे, तुम चांद पे जाओगे। ये 4G नीचे 20√2 को मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल, ये एंगल 45, तो बच्चों ये एंगल भी 45, इधर कंपोनेंट 20√2 cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 20। नीचे की तरफ कंपोनेंट बोलो 20√2 sin 45, 20√2 sin 45, sin 45 इज 1/√2, तो 20। ऊपर की तरफ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, क्योंकि कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, तो n इज इक्वल्स टू 4g + 20। जी की वैल्यू अपन कितनी ले लेंगे, वही पुरानी 10, तो ये 40 + 20 कितना हो गया 60, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, होती है म्यू के इंटू एन, म्यू के 0.3, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 60, तो ये 0 कैंसिल, कितना आया 18, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 18। ओके फिर निकालना है एस्केलरेशन, तो देखो आगे की तरफ फोर्स कितनी आई है 20, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 18, तो नेट फोर्स किधर है आगे की तरफ, नेट फोर्स आगे कितनी 20−18 इज इक्वल्स टू मास, एस्केलरेशन मान लो a इस तरफ होगा क्योंकि फोर्स इस तरफ ज़्यादा है, तो 2 = 4a, और यहाँ से a की वैल्यू 0.5 m/s². आई होप ये सवाल आपने खुद से कर लिया होगा। यहाँ बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन को अब हम रोकते हैं और चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए अब पढ़ाई करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। आइए बच्चों अब बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, मैंने बताया जब बॉडी रेस्ट पे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर दोनों को मिलाएंगे बच्चों तब अच्छे सवाल बनेंगे, बेसिक लेक्चर है आराम से समझो। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहला पॉइंट कब लगेगा, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा, रिलेटिव मोशन
हो नहीं रहा, रिलेटिव मोशन होने की सिर्फ टेंडेंसी है। मतलब एक्चुअल अभी बॉडीज किस पे होंगी, दोनों रेस्ट पे होंगी, अभी कोई रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा होता है, इसको हम डिनोट करते हैं FS से, ये वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। क्या बोला मैं, वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती काइनेटिक की तरह, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट था म्यू के इनटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट नहीं। जब बॉडी रेस्ट पे है ना, तब फ्रिक्शन की फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं। क्या होता है देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो जीरो हो सकती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होती है एफ लिमिटिंग। ठीक है, मिनिमम जीरो और मैक्सिमम एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या होता है बच्चों, एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। वहां पे क्या था, म्यू के इंटू एन, यहां पे म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है, म्यू एस इंटू एन? नो 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 नो, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जीरो से एफ लिमिटिंग के बीच में। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बार बार इस बात पे फोर्स करूंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, जो चीज़ चेंज हो सकती है उसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, मेथड होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जिधर मोशन होने वाला है उसके अपोजिट में। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग। ठीक, नोट कर लें, इतना नोट कर ले फिर आगे बढ़े। ये म्यूएस क्या है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कहना चाहो, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको जैसे ही मैं न्यूमेरिकल करूंगा आपको समझ में आने लगेगा। आइए देखिए, मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग म्यू एस इन टू एन। बस इतनी चीजें आपने देख ली, अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कि यहाँ एक ब्लॉक है, सपोज कर लो 4 kg का, इस पर आगे की तरफ हमने एक फोर्स लगाई एक्सटर्नल 6 N की, और हमारा जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मान लो हमारा है 0.2। हमसे कहा फाइंड करिए फ्रिक्शन की फोर्स और एस्केलरेशन। ठीक है, वैसे सवाल कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। फ्रिक्शन की फोर्स किधर लगेगी, पीछे लगेगी। बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है, नहीं पता। ठीक, ठीक है, तो बच्चों बॉडी मूव तभी करती है, बॉडी मूव्स ओनली इफ, नोट करेंगे इसको, ओनली इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट पे हो। अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी है तो बॉडी चल पड़ेगी और फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट पे हो। अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी हो जाए तो बॉडी चल पड़ेगी और फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स को हमने क्या कह रखा था, एफ लिमिटिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू एफ लिमिटिंग। तो पहले तो चेक करो कि दोनों में से कौन सी कंडीशन हो रही है, क्या सच में अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा है या इससे कम है। तो पहले इसको चेक करते हैं, आइए इसको चेक करेंगे। तो हम निकालते हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 0.2। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बोलो नीचे की तरफ 4G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में n की वैल्यू 4g, तो 4g, g की वैल्यू 10 रखेंगे, 0.2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये इससे मर गया, 2 × 4 = 8 N। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम फोर्स है वो 8 N है, अप्लाइड फोर्स 6 N है, मतलब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो पहली बात तो बॉडी रेस्ट पे होगी, बॉडी मूव्स ओनली इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन। तो पहला जो कंक्लूजन निकालोगे वो आप निकालोगे कि बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा।
चलो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन को हम भूल सकते हैं। कैसे चेक करना है कि काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक, कैसे चेक करना है काइनेटिक कि स्टैटिक? अप्लाइड फोर्स अगर बड़ी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफ लिमिटिंग से, एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला म्यू एस इनटू एन, चेक किया नहीं लिमिटिंग फोर्स ज़्यादा है, मतलब ये फोर्स कम है, मतलब बॉडी मोशन में नहीं रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। अब इस केस में आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी, कितनी आई है 8 न्यूटन, ये आंसर नहीं होगा। बच्चों अगर 8 हुआ तो बॉडी पीछे भागने लगेगी, ज़रा सोच के देखो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि चीज़ को आप आगे खींच रहे हो वो अपने आप पीछे भाग जाए? नहीं है ना, लॉजिकली सोचा करो, हमेशा आंसर मत लिख दिया करो, लॉजिकली इसको मैं 6 न्यूटन से आगे खींचा तो ये आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, हमें 8 से ज़्यादा से खींचेंगे तो आगे बढ़ेगा, 6 पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब 6 लगाओगे तो क्या पीछे पलट के 8 न्यूटन लगेगा? पीछे 8 लगेगा तो बॉडी पीछे चली जाएगी, मतलब रखे रखे किसी बच्चे को हम खींच रहे हैं वो इधर तो नहीं खींचा, पीछे भाग गया, ये तो हो नहीं सकता। तो अब अगर बॉडी रेस्ट पे है देन फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, नोट करेंगे बात, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन है ये? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? वेरिएबल, वैल्यू एडजस्ट होती है, तो वैल्यू एडजस्ट होके 6 बन जाएगी, वेरिएबल है एडजस्ट हो सकती थी, एडजस्ट होके 6 बन गई, यानी इस टाइम पीछे फ्रिक्शन 8 ना लग के कितना लगेगा? 6 न्यूटन। इस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 6 न्यूटन। अब जस्टिफाइड हो रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, हम खींच रहे हैं बॉडी आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि 6 न्यूटन आगे और 6 न्यूटन पीछे, सो बॉडी इज एट रेस्ट। तो 2-3 बातें यहां समझने वाली थी कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप ये चेक किया करो कि एफ अप्लाइड, सबसे पहले चेक करो कि एफ अप्लाइड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं, हमने देखा ज़्यादा नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा थी, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे ज़्यादा लग सकता है, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, यानी बॉडी मूव तो नहीं कर पाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको पकड़ के रखेगा 6 न्यूटन में। फिर हमने कहा ठीक है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, अब रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वेरिएबल एडजस्टिंग, तो क्या इस टाइम फ्रिक्शन 8 होगा? अगर 8 होगा तो लॉजिक गलत होती है कि बॉडी रखे रखे पीछे भाग जाएगी, तो हमने कहा नहीं, फ्रिक्शन की फोर्स किसके इक्वल होगी? अप्लाइड फोर्स के। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, किसके इक्वल हो जाता है? अप्लाइड के, जब तक बॉडी रेस्ट पे हो। क्लियर है क्या? चलो एक बार और एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये ब्लॉक है और सपोज कर लो ये ब्लॉक का मास है 4 kg, यहाँ से फोर्स लग रही है 20 न्यूटन और यहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू एस है 0.6, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के है 0.4। आपको फाइंड करनी है फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एस्केलरेशन अगर है तो। तो भाई सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, मैंने आपको बताया, चेक करो कि जो एफ अप्लाइड है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि एफ लिमिटिंग से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा होगा तो बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में। अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता, तब बॉडी मोशन में होगी, अदरवाइज टेस्ट में। तो आप चेक करते हैं एफ लिमिटिंग निकालने का तरीका, बोलो म्यू एस इंटू एन, तो यहाँ से नीचे की तरफ 4g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एन इज इक्वल्स टू 4g, 0.6 इंटू 4 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 रखी, 0.6 इंटू 4 इंटू 10, ये मर गया, कितना आया 24 न्यूटन। तो पीछे की तरफ कितनी फोर्स है? 24 न्यूटन लग सकती है, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं है, पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग सकता है, इसका मतलब बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। बॉडी मोशन में तभी जाएगी अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी, तो बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कैसा होता है? वेरिएबल होता है। अब बताओ कितना फ्रिक्शन लगाओगे पीछे? 24। तुम 20 से खींच रहे हो, पीछे अपने आप 24 आएगी, बॉडी अपने आप पीछे भाग जाएगी, ये तो होता नहीं ना रियल लाइफ में, किसी चीज़ को 20 से खींचो अपने आप पीछे 24 लगा के भागने लगे, नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? F अप्लाइड के। अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा, 24 से गिरा के किस पे ले आएगा? 20 न्यूटन पे, ताकि बॉडी किस पे रहे अभी भी? रेस्ट पे। इसीलिए बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन
स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, 23 न्यूटन, तो पीछे मैक्सिमम फोर्स कितनी मिल सकती थी, मैक्सिमम मिल सकती थी 24, पर अभी भी 24 नहीं लगेगी क्योंकि बॉडी पीछे भागने लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके किस पे ले आएगा, 23 पे। मान लो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते 10 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स पीछे कितनी मिल सकती थी, 24, पर पीछे 24 नहीं लगेगी, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा भाई, भाई आगे 10 लग सकती थी, पीछे 24 लग सकती है मैक्सिमम, मोशन तो होना ही नहीं, मोशन तो तब होगा जब ये 24 को क्रॉस करेगा, जब तक ये 24 क्रॉस नहीं करेगा मोशन तो होगा ही नहीं, मतलब बॉडी रेस्ट पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज वेरिएबल एंड विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे, तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, जीरो से लेके लिमिटिंग के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेता है। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार आप करके दिखाइएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है फाइंड, ये क्वेश्चन सबको करना है क्रॉस करके, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। चलो देखो सब लोग करेंगे वीडियो का पॉज करके, 2 kg का ब्लॉक, कच 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 करे, यहाँ फोर्स लग रही है मान लो 20 न्यूटन की, फिर से यहाँ हमको दिया है म्यू एस 0.6, म्यू के 0.4, म्यू एस की वैल्यू भी दी है, म्यू के की वैल्यू भी दी है, हमसे पूछा पॉइंट फ्रिक्शन एंड एस्केलरेशन। चलिए सब लोग खुद से करके बताइए ये वाला सवाल। देखा जो तुमको ये दिल को हो गया क्या, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हाँ भाई आ जाओ, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, F अप्लाइड क्या बड़ी है किससे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि F लिमिटिंग से, अगर बड़ी होगी अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी हो गई तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आओ चेक कर लेते हैं हम क्या निकालते हैं, F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस है 0.6, एन कितना हो जाएगा नीचे की तरफ बोलो 2g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एन इज इक्वल्स टू 2g, तो 2g रख दिया, 0.6 इंटू 2 इंटू g की वैल्यू 10, इससे ये मर गया, 6 × 2 = 12 न्यूटन। तो पीछे की तरफ जो मैक्सिमम फोर्स लग सकती थी वो 12 न्यूटन थी लिमिटिंग फ्रिक्शन में, अप्लाइड फोर्स इस बार कितनी है 20 न्यूटन और मैक्सिमम ये कितनी है 12 न्यूटन, मतलब अब ये बैरियर को क्रॉस कर गया है, अब बॉडी मोशन में आ जाएगी। इस बार अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू थी उसको क्रॉस कर गया। और इसको इमेजिन करते हैं, मान लो यहाँ कोई एक बक्सा रखा है, उसको मैंने ढकेला, इस बॉक्स को मैंने ढकेला, पुश किया, नहीं चला, मैंने फोर्स लगाई 2, उसने भी पीछे पलट के फ्रिक्शन लगाई 2, स्टैटिक। मैंने फोर्स लगाई 4, उसने भी पलट के लगाई 4। मैंने फोर्स लगाई 10, उसने पलट के लगाई 10, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा, जितना मैं अप्लाई कर रहा उतना ही वो बन जा रहा, ताकि बॉडी किस पे रेस्ट। मैंने फोर्स लगाई 11, उसने भी फोर्स लगाई 11। मैंने फोर्स लगाई 12, उसने भी पलट के फोर्स लगाई 12, बॉडी रेस्ट पे थी। मैंने फोर्स लगा दी 20, उसके पास इतनी फोर्स नहीं है, वो 12 से ज़्यादा नहीं लगा सकता, उसने फोर्स लगाई 12, अब बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। क्या आपको कहानी समझ में आई है, स्टार्टिंग में मैं जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी पलट के हमको उतनी ही फोर्स दे रही है, यानी इनिशियली स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर, मैं 2 लगाऊंगा वो 2 दे देगा, बॉडी रुकी है। मैं 4 लगाया वो 4 दिया, बॉडी रुकी है। 12 तक वो दे सकता है, जैसे ही मैं 13 लगाऊंगा वो 12 देगा और बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन। जैसे ही मैंने 20 लगाई, उसने कितनी दी 12, लिमिटिंग वैल्यू है 12, 12 से ज्यादा वो नहीं दे सकता, अब बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। यानी यहां ये सवाल किस में चला गया, मोशन में चला गया, यानी इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन वाली है, और मोशन वाली फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होती है, काइनेटिक। तो जजमेंट सही करना है आपको, काइनेटिक, यानी इस बार फॉर्मूला एफ के का लगेगा, एफ के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, म्यू के इनटू एन। क्या एफ के की वैल्यू चेंज होती है, क्या एफ के डिपेंड करता है, नहीं, एफ के तो कांस्टेंट है, कितना है म्यू के इनटू एन, म्यू के की वैल्यू कितनी दी है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है अपना टिंग टिंग डिंग डिंग 2g, 2g, g की वैल्यू 10, 0.4 इनटू 2 इनटू 10, इससे ये मर गया, कितना ही 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इस बार ये सब लगेगी नहीं, लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज 8 न्यूटन पीछे की तरफ। हमसे एस्केलरेशन पूछा, नेट फोर्स आगे हो गई 20 - 8, नेट फोर्स आगे की तरफ कितनी आगे 20 - 8 इज इक्वल्स टू, एस्केलरेशन इधर होगा
मास इनटू एस्केलरेशन, तो कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हो गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बॉडी चलेगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एस्केलरेशन से, और किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। क्यों काइनेटिक लगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा। काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला म्यू के इनटू n। इस एग्जाम्पल से आपने काफ़ी चीज़ें कलेक्ट की है, जैसे हम समझ रहे हैं आप ये भी सोच रहे हैं कि ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू कम है, स्टैटिक का म्यू ज़्यादा है। एक चीज़ आपने और देख ली होगी इस क्वेश्चन में, क्या आपने देखी है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू 12 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन। तो आइए इन बातों पे भी हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर। आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वैल्यू का, मतलब आप देख रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा। तो इसके लिए चलते हैं एटॉमिक लेवल पे कि फ्रिक्शन का रीज़न क्या है। देखो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता है ड्यू टू इररेगुलैरिटीज इन सरफेस, ठीक है, जो कांटेक्ट में है उन सरफेसेस की इररेगुलैरिटीज से। जैसे मान लो एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखोगे तो सरफेस में इररेगुलैरिटी दिखेगी। जो चीज़ हमें स्मूथ दिखता है सरफेस असल में छोटा छोटा इररेगुलैरिटीज लेके चलता है। तो अगर इस ब्लॉक को हम इस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये जो इररेगुलैरिटीज़ हैं ये आपस में फंस जाएंगी, फिर खींचने के लिए इररेगुलैरिटीज़ को तोड़ना पड़ेगा, इन एजेस को तोड़ता हुआ चलेगा, और यही हमारे फ्रिक्शन का कॉज बनता है। तो कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन का रीज़न क्या है, तो आप बोलो इररेगुलैरिटीज़ इन द सरफेस, ये आपस में बन जाएंगी ऐसे ऐसे, अब आप खींचोगे तो ये टूटते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ इसको मोशन में रखना टफ है या इसको मोशन में लाना टफ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना टफ है या मोशन में रखना टफ है, बताओ। मेरे ख्याल से मोशन में लाना टफ है, कोई चीज़ रुकी है उसको चलाना टफ होता है, एक बार चल गई तो फिर वो ईजिली चलती रहेगी। जैसे आप ही हो, आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो अपन पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, चलो 10 मिनट बात करेंगे, 1 घंटे बात करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, पर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो स्मूथली चलती रहती है। तो मोशन स्टार्ट करना बहुत टफ होता है ना, स्टार्टिंग में जाम एकदम फंसा हुआ है, एक बार रेगुलैरिटीज टूटी फिर स्मूथली खट 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 ये चलता जाएगा, शुरू में ये बहुत ज़्यादा जाम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था, बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन किस स्टेट में था, स्टैटिक रुकी हुई स्टेट में, वो ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। मतलब एक बार बॉडी मोशन में आ गई, किस में आ गई, मोशन में, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब बॉडी रुकी हुई होती है और जब एकदम चलने वाली होती है, जस्ट अबाउट टू मूव, तब फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों कब लगता है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, जस्ट अबाउट टू मूव, उस टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होती है। जैसे ही मोशन में आता है फ्रिक्शन गिर जाता है और काइनेटिक बन जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा था और जैसी बॉडी मोशन में आई काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो गया। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं फ्रिक्शन फोर्स का, हम एक ग्राफ बनाएं किसका, फ्रिक्शन फोर्स का वर्सेस अप्लाइड फोर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का, तो आप क्या देखते हो, शुरुआत में फ्रिक्शन कौन सा चलता है, स्टैटिक, और जब तक शुरुआत में स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है तब तक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं वो पलट के 2 लगाएगा, मैं 4 लगाऊं वो पलट के 4 लगाएगा, मैं 6 लगाऊं वो पलट के 6 फ्रिक्शन लगा देगा। मतलब रुकी हुई स्टेट में स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन भाई कैसा होता है, मैंने आपको बताया, वेरिएबल या सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है कि मोशन नहीं होने देंगे। तो ऐसा होता रहा, जैसे मैंने कहा अप्लाइड फोर्स 2 तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2, अप्लाइड फोर्स 4 स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4। मतलब शुरू में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी है कि नहीं, जिसकी स्लोप कितनी होगी 45 डिग्री, जितना एक्स उतना वाई, जितना एक्स उतना वाई। ऐसा होता रहा होता रहा होता रहा, फिर मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 12 है, अब मैं 12 लगाऊंगा तो पलट के मुझको 12 देगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या, आ गया एफ लिमिटिंग। अब मैंने 12 लगाई, उसने भी पलट के 12 दी। अब इसके बाद मान लो मैंने 13 लगाया, 13 लगाते ही लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो गया, अब बॉडी मोशन में आ गई। जैसे ही बॉडी बच्चों मोशन में आएगी कौन सा फ्रिक्शन खेलने आ जाएगा, काइनेटिक। और हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, लास्ट स्टेट पे, 12 पे। 13 लगाते ही
फ्रिक्शन गिर जाएगा, बॉडी मोशन में आ गई है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सडनली गिर गई, ये गिर गई, मान लो ये 12 थी, अब गिर के कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन विच इज़ लेस देन म्यू एस इंटू एन, म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, बॉडी जब चलती रहती है तब फ्रिक्शन कम, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो गया, यहाँ तक बॉडी किस में थी, रेस्ट, जब रेस्ट पे थी जितनी अप्लाइड उतना स्टैटिक, जितनी अप्लाइड उतना स्टैटिक, जितनी अप्लाइड उतना स्टैटिक, और ये लास्ट में एकदम स्टैटिक, उसके बाद जैसे ही बॉडी मोशन आई फ्रिक्शन गिर गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों कैसा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कॉन्स्टेंट होता है, बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी तेज चले धीमे चले काइनेटिक फ्रिक्शन अब चेंज होने वाला नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा म्यू के एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं फिर से पूछ रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग से कम होगा जीरो से ज़्यादा, कब तक लिमिटिंग नहीं पहुंचेगा, जब तक अप्लाइड फोर्स कम रहेगी, जैसे ही अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग को क्रॉस करेगी काइनेटिक आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये ग्राफ बनेगा फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का, शुरू में बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पे बॉडी मोशन में है, यहाँ तक कौन सा फ्रिक्शन चल रहा है स्टैटिक, यहाँ पे कौन सा चल रहा है काइनेटिक, और सबसे हाईएस्ट किसकी वैल्यू होती है लिमिटिंग, विच इज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे स्टैटिक काइनेटिक वाले, देख लेते हैं एक एग्जांपल आपको और देते हैं, देखते हैं आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है, जेई में आया वो सवाल है, ठीक है, वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी डेफिनेटली। मैं यहाँ पे एक मास रख देता हूँ, मैं मास मान लो मेरा है 1 kg का, और यहाँ से मैं फोर्स लगा देता हूँ मान लो 40 N की, और यहाँ मान लो हमको दिया है म्यू एस की वैल्यू है पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास म्यू के की वैल्यू है 0.2, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब आपको डिसाइड करना है कौन सा फ्रिक्शन है, एंड एस्कलेशन, जेई में जब आया था तब एक ही म्यू दिया था, खैर हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आइए देखते हैं बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। पहले तो ये सोचो फ्रिक्शन इस बार लगेगा कहाँ, फ्रिक्शन लगता है उन सर्फेसेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट में हो, तो कॉन्टैक्ट में ये और ये सर्फेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। बॉडी नीचे गिरना चाहती है बिकॉज ऑफ 1g, इसका जो वेट है इस वजह से बॉडी नीचे स्लिप करना चाहती है, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन इसको ऊपर खींचना चाहेगा, और कैसे लगेगा, टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये पहली बात समझो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होगा, कैसे निकाला मैंने, क्लियर है, बॉडी किधर गिरना चाह रही है, नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ इट्स वेट, और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगा, ऊपर की तरफ, कैसे लगा, सरफेस के अलोंग। अच्छा, अब डिसाइड करना है कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो इस बार अप्लाइड फोर्स कौन सी है, 40 N की 1g, सोच के बोलना, 40 N की 1g, सोच के बोलो, क्या ये 40 N बॉडी को मोशन में लाना चाह रही है, वो तो दीवार पे दबा रहे हैं, मोशन में आ रहा है इसकी वजह से, फिसलने वाला है इसकी वजह से, मतलब इस बार जो अप्लाइड फोर्स है बच्चों, जो अप्लाइड फोर्स है वो ये 1g है, थोड़ा कंसेप्ट लगाओ, ऐसे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 40 देखकर, बॉडी नीचे गिरने वाली है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगा है, यानी फ्रिक्शन इस फोर्स से लड़ रहा है इससे नहीं, इधर बॉडी फिसल रही है इसके अपोजिट। अच्छा, जी की वैल्यू 10 ले ली, तो अप्लाइड फोर्स हो गई 10 N की, ठीक है। अब फ्रिक्शन की हमें क्या निकाल लेनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, इधर से फोर्स 40 लगी, सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मोशन नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 40 के, आप दीवार पे 40 से दबाओगे तो दीवार आपको पलट के 40 की फोर्स दे देगी, आपने दीवार को 40 से दबाया, दीवार ने आपको पलट के 40 से दबा दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 40, चेक करते हैं म्यू एस कितना है, 0.3, नॉर्मल रिएक्शन 40, पॉइंट से जीरो मर गया, कितना आया 12 N, तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 12 N है। अब हम चेक कर लेंगे कि F अप्लाइड क्या बड़ी है किससे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी F लिमिटिंग से चेक करेंगे, अगर बड़ी होगी तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी बड़ा है तो बॉडी मोशन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 12 N, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 N, 10 N की वजह से नीचे गिरने वाला था, ऊपर लग सकती है 12, तो क्या 12 लगेगी, नहीं लगेगी, बॉडी नीचे 10 से गिर रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर कितनी हो जाएगी 10, भाई बॉडी मोशन में आएगी नहीं, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है, बॉडी किस में रह जाएगी, बॉडी रेस्ट पे रह जाएगी, जो हमारी अप्लाइड फोर्स है, जो नीचे गिराने वाली फोर्स है वो लिमिटिंग को क्रॉस ही नहीं की, लिमिटिंग को क्रॉस कर जाती तो बॉडी मोशन में आती, बॉडी रेस्ट में रह गई, रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी रुकी रहेगी, नीचे 10 तो ऊपर भी 10, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया एडजस्टिंग है, अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है, जीरो से लिमिटिंग के बीच में बॉडी मोशन में नहीं आएगी। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं अगला। समझ में आ गई, बढ़िया। अब बच्चों मैं जाने से पहले आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपने किताब में देख रखा होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और मैं फ्रिक्शन की एक ऐसी डेफिनेशन दूंगा जो कि आपको बहुत अलग लगेगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है, मान लो ये बॉडी यहाँ पे रखी है सरफेस पे किसी, इसका मास मान लो m है, इस पे सरफेस कितने तरह की फोर्स लगा सकता है, दो तरह की। जो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, जो सरफेस लगाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो दो सरफेस के बीच में होती है, वो दो तरह की यहाँ पे हो सकती हैं। एक सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक इसके ऊपर लगा सकता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो डिपेंड करेगी बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, कोई अप्लाइड फोर्स है कि नहीं है। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगी तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगी, कुछ होगी तो उसके बराबर, बहुत ज़्यादा होगी तो काइनेटिक बन जाएगी। एनीवेज, तो दो तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ बॉडी के ऊपर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में, एक इधर, तो आप बोलोगे रिजल्टेंट इधर R। R को हम बोलते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, टेंजेंट के लॉन्ग या हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्रिक्शन, तो आप एक डेफिनेशन ये दे सकते हो फ्रिक्शन की, क्या अपने टीचर को देना, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल अलॉन्ग जो कॉम्पोनेंट आता है उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब मान लो ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बस मोशन होने वाला है, तो इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन। अब मैं म्यू एस म्यू के नहीं लिख रहा, चलो चले देता हूँ म्यू एस। एग्जाम में क्या होता है कि म्यू एस म्यू के नहीं दिया रहता, कई बार सिर्फ म्यू दिया रहता है, तो आप टेंशन मत लेना। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन में, सब में तो नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के सेम मान लेते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में एफ लिमिटिंग और एफ काइनेटिक को करीब करीब सेम मान के ज़्यादातर क्वेश्चन कर। जैसे मान लो एक ही म्यू दिया है, अब तुम परेशान सर क्या करें, तो उसी म्यू से सॉल्व कर दो, उसी म्यू को यूज़ करो लिमिटिंग में, उसी म्यू को यूज़ करो काइनेटिक में, टेंशन लेना बंद कर दो अगर एक ही म्यू दिया है तो। एनीवेज, अगर बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है तब फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी लिमिटिंग म्यू एस इनटू एन। इस समय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, तभी डिफाइन होगा। हमेशा नहीं ये एंगल, हमेशा नहीं ये एंगल, उस समय पे जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो तब रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमसे कहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो, तो हम क्या करें, हमने इस फ्रिक्शन फोर्स को उठा के यहाँ रख दिया, पैरेलल तो मूव कर ही सकते हैं फोर्स को, इस फोर्स को उठा के यहाँ रख दिया F लिमिटिंग को, यहाँ से उठा के यहाँ। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल थीटा, ये F लिमिटिंग, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये R। यहाँ से हम पूछें टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। F लिमिटिंग की वैल्यू बोलो म्यू एस इंटू एन, और नीचे n, n ने n को मार दिया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई म्यू एस, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोई बोले कितना होता है, तो आप बोलो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किन्हीं दो सरफेस के बीच का एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा हो तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है, एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो, यानी जब फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग हो म्यू एस इनटू एन, उस टाइम इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये ट्रायंगल मैंने निकाल लिया, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एफ एल अपॉन एन, एफ एल की वैल्यू म्यू एस इनटू एन, एन ने एन को मार दिया, टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप याद रख सकते हो टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस की तरह से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
तो कई बार आपसे बोल देगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो बोल दिया 30 डिग्री है, तो पूछेगा म्यू एस की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे म्यू एस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा, थीटा बोला एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये है 20 डिग्री है, तो म्यू एस पूछेगा तो टेन 20, टेन 15, ऐसे आप म्यू एस निकालने के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को यूज़ करते हो। क्लियर हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी निकालना जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। तो मेरे ख्याल से आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और ग्राफ और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हो गया। अब जो मैं बता रहा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करते हैं कि एक ही म्यू देते हैं, ना म्यू एस देते हैं ना म्यू के देते हैं, तो क्या करें, तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे मान लो हमसे बोला ये एक सरफेस है, यहाँ एक ब्लॉक रखा है मास एम का, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अब ये नहीं बताया म्यू के की म्यू एस, और ये ब्लॉक चल रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट। हमसे पूछा फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। चलिए हम करेंगे इसको। अब ये ब्लॉक v नॉट वेलोसिटी से चल रहा, क्योंकि ये बॉडी किस में है, मोशन में है, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। खैर यहाँ एक ही म्यू है तो हम समझ गए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, किधर, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। अब म्यू के म्यूएस नहीं है, एक ही म्यू है, एन निकाल लोगे नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के, क्योंकि बैलेंस्ड है। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, ठीक है। तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही म्यू एम जी, जो कि इसकी स्पीड को कम करेगी। पूछा है कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा, तो मान लेते हैं टी टाइम बाद ये रुक गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोलो वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी बोलो जीरो, टीम टाइम टी। जीरो क्यों बोला, बोला है कितने टाइम बाद रुक जाएगा, तो हमने कहा चलो टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक एस्केलरेशन लग रहा है पीछे डायरेक्शन में। एस्केलरेशन क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी है, म्यू एम जी, मास एम कैंसिल, कितना आएगा माइनस म्यू जी। माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि ये फोर्स किधर है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ माइनस लिख दो, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रही है रिलेटिव मोशन को। अब आप टाइम निकाल सकते हो, अप्लाई कर दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू v नॉट, a की वैल्यू माइनस यू जी, और टाइम निकाल लो। फिर आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो आप, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसकी जीरो, इसकी v नॉट, a की वैल्यू माइनस म्यू जी, और s निकाल लो। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो जब एक ही म्यू दे रखा हो, कई बार होता है। चलो तुमको एक जेई का सवाल दिखाता हूँ आया हुआ। हमको जो सवाल दिया जेई ने, हमको जो सवाल दिया वो ये था कि यहाँ मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास m है √3 kg, और ये किसी सरफेस पे रखा है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/√3, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमसे पूछा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू of F such that block does not move, ये block motion ना करे। अच्छा भाई, तो क्या किया जाए, यहाँ एक ही म्यू है तो इसी को लिमिटिंग में यूज़ करो, इसी को काइनेटिक में, और FBD बनाते हैं पहले। ये रहा ब्लॉक, लगने वाली फोर्स नीचे की तरफ mg, मास कितना है √3, तो √3 इंटू जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, ये फोर्स हमारी ऐसे लग रही है F, ए मैंने आगे बढ़ाया ये, ठीक है, ये फोर्स को मैंने आगे बढ़ाया, ये एंगल कितना है 60, तो ये एंगल भी कितना होगा 60। ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ से हटाऊँ, ये एंगल 60 तो ये भी 60, तो F का इधर कंपोनेंट F cos 60, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos 60, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा इधर कितना F sin 60। बोलिए इतनी बात क्लियर है, इधर F cos 60, इधर F sin 60। अच्छा, बोला है कि F की वैल्यू ऐसी हो कि बॉडी ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है, बस मोशन होने वाला है पर मोशन हो ना पाए। क्यों, क्योंकि F की कैसी वैल्यू है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा F लगाएंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पीछे की तरफ लग जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सी, लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू एन। अब यहाँ म्यू के म्यू एस तो है नहीं, तो म्यू इंटू एन। अब मोशन नहीं होना है, जितनी ऊपर की फोर्स उतनी नीचे की, जितनी आगे की फोर्स उतनी पीछे की, इतना कर ले क्वेश्चन खत्म। यही तो बोला डज नॉट मूव, जितनी ऊपर फोर्स उतनी नीचे,
जितनी आगे होती पीछे। आइए सॉल्व करें इसको हम, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके सो ऊपर है n, नीचे है रूट थ्री जी प्लस एफ साइन 60, साइन 60 अपना रूट थ्री बाई टू, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब हॉरिजॉन्टली देखो आगे की तरफ कितनी है एफ कॉस 60, पीछे की तरफ कितनी है म्यू इंटू एन। एफ कॉस 60 अपना 1 बाई टू, म्यू की वैल्यू थी 1 बाई टू रूट थ्री, एन की वैल्यू है रूट थ्री जी प्लस एफ रूट थ्री बाई टू, ठीक है। यहाँ से एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करें क्या करें, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, ये बचा एफ, रूट थ्री अंदर जाएगा कैंसिल, क्या बचा जी, रूट थ्री यहाँ जाएगा कैंसिल, क्या बचा एफ बाई टू। इसको हम इधर ले आएँ, एफ माइनस एफ बाई टू इज इक्वल्स टू जी, जी की वैल्यू 10 रख दो, ये कितना होगा एफ बाई टू, एफ माइनस एफ बाई टू, एफ बाई टू इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू रख दी 10, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा सकते थे हम 20 न्यूटन, जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्लियर है, जेई में पूछा सवाल था। देखो जेई का एक और सवाल पूछता हूँ, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि विच इज़ ईजियर पुश और पुल, वो भी जब हम सरफेस को किसी एंगल पे पुश या पुल करें, विच इज़ ईजियर। ये इन्होंने अजर्शन रीजन में पूछा था, विच इज़ ईजियर पुश और पुल। पहले अजर्शन रीजन आते थे, ठीक है, पहले आई टी जेई होता था, फिर मेन्स और एडवांस आ गया, ठीक है। तो उसमें पूछा था कि क्या इसका रीज़न होगा और क्या सही है, विच इज़ ईजियर पुश और पुल When force is at an angle, जब force angle पे है तब क्या easy होगा क्या tough होगा, और reason भी जानना था। तो आइए करके देखते हैं। मान लो ये कोई block है mass m का, इसको हम इस तरह से pull कर लिए, ये किसका example हो गया pull का, और इसको हम यहाँ पे push कर दिए उसी force f से। मान लो theta angle पे pull किया और theta angle पे ही push किया, ठीक है। ये देखो पुश हो गया और ये हमारा पुल हो गया, ठीक है, जेई में पूछा था। अब बताओ कौन सा इजियर है, इसको प्रूफ करना है हमें। चलो बच्चों इसको जल्दी से सॉल्व करें, इधर बोलो कितना आएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर बोलो एफ साइन थीटा, नीचे बोलो एम जी, ऊपर बोलो नॉर्मल रिएक्शन। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, एन की वैल्यू बोलो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो पुल वाले केस में फ्रिक्शन है म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। ये फोर्स एफ लग रही है, इसको मैंने आगे बढ़ाया एफ, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, एफ का इधर कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, नीचे कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा, नीचे फोर्स लगेगी एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स हो गई म्यू इंटू एन, सो म्यू इंटू एन एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये रही फ्रिक्शन फोर्स। अब आप बताओ कौन सी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, ये वाली कि ये वाली, पुश में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है या पुल में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है पुश में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ पे एम जी माइनस, ये कम हो गई। इसीलिए पुल ईजियर होता है और पुश टफ होता है जब फोर्स एंगल पे लगे। तो उन्होंने रीज़न में दिया था कि नॉर्मल रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किस में ज़्यादा है, पुश में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स भी ज़्यादा होगी। अभी मोशन हो रहा है इसलिए म्यू एन यूज़ कर रहे हैं, भाई चल रही है बॉडी, बॉडी मोशन में है। तो विच इज ईजियर पुश और पुल, पुल इज ईजियर। पुल में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट फोर्स का ऊपर आता है जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन कम होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगती है। तो पहले वीडियो में हम इतनी ही आज बातें करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, अभी इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज की बातें, और भी बहुत सी फ्रिक्शन पे चर्चा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे अगले वीडियोज़ में। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।